लुधवाणा खड़के रेमंड हाईवे ब्रिज पर एक गहरे गड्ढे में इनोवा कार के आगे पीछे के दोनों टायर फट गए। सोशल मीडिया के माध्यम से वाहन चालकों को हाईवे पर गड्ढों से सावधान रहने के लिए सचेत किया गया। उदवाणा खड़के के रेमंड हाईवे नंबर 48 पर पिछले साल करोड़ों रुपए की लागत से नया ओवर ब्रिज बनाया गया था, लेकिन यह ब्रिज अपने निर्माण के बाद से लेकर अब तक विवादों में रहा है और इस साल फिर से मानसून शुरू होते ही ब्रिज पर हादसे होने शुरू हो गए हैं। पारड़ी से उदवाड़ा जाने वाले हाईवे पर खड़की रेमंड ब्रिज पर चढ़ने से पहले साईं मंदिर के सामने बीच ट्रैक पर एक बड़ा गहरा गड्ढा हो गया। इस संबंध में कोटवाल के बलवंत भाई भंडारी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी वाहन चालकों को सचेत किया था। बाद में हाईवे की आर के जैन नामक एजेंसी हरकत में आई और गहरे गड्ढे को हटाने का काम किया। हालांकि गड्ढे में सिर्फ पेवर ब्लॉक का काम किया गया और वह अपनी इनोवा गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, जिस दौरान आगे और पीछे इस बड़े गड्ढे में गाड़ी के टायर फट गए और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद भी उन्होंने जताई है। आगे कहा गया कि हाईवे के कस्टमर केयर पर बार बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल एजेंसी ने इस गड्ढे को भरने के लिए सिर्फ पेवर ब्लॉक लगाकर पुल के कार्य में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश की है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं यहाँ सूरत से बॉम्बे जा रहा था। खड्डे में गिरने के बाद मेरा दोनों टायर बस्ट हो गया, बुरी तरह फट गया। 5 इंच उसमें खड्डे पड़ गए। 5 इंच उसमें खड्डे पड़ने के बाद मैं कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद भी कोई भी इनका एम्प्लॉय आया नहीं। यहाँ पे कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद भी कोई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। रात को मैं और मेरे साथ में 5-6 गाड़ियाँ और थी, सभी लोगों ने कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं इनका। ये अपना मुंबई सूरत एकदम मेन हाईवे है, हाईवे नंबर NH8 है। NH8 पे मतलब यहाँ बीच में एकदम राइट वाले लेन में, जहाँ से सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेन जाती है, एकदम राइट साइड में बीच में खड़ा हुआ हुआ है। अभी कुछ नहीं, अभी उस पर लिपा पोती कर रहे हैं, कुछ काम तो हो नहीं रहा है। खाली वो सॉलिड ब्लॉक लाके डाल रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है। आगे 2 महीना हम लोगों को झेलना ही है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। सरकार से भी कुछ नहीं होने वाला है, नहीं करने वाली है। हमारा नुकसान हमारी जिम्मेदारी और सब कुछ हम ही को करना है।